ये पंजाब है, ये इंडिया नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की जिसने अपने चेहरे पर तिरंगा चस्पा करवाया है, उसे अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जाने से रोक दिया गया। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या भ्रांति है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो जो है ये कब का है ये पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बीते 24 घंटे में बहुत तेजी से वायरल हुआ है। और इस वीडियो में जो बातचीत है वो नजर आता है कि एक लड़की यहां पर पहुंचती है अपने किसी हरियाणा के दोस्त के साथ और कहती है कि यही वो आदमी है जिसने मुझे अंदर जाने से रोका। फिर वो हरियाणा वाला शख्स उस व्यक्ति के पास जाता है जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य है, उससे पूछता है कि भाई तुमने गुड़िया को अंदर जाने से क्यों रोक दिया। तो उसने वो कहता है कि इसने तिरंगा लगाया। तो वो कहता है तो ये इंडिया नहीं है। तो कहता है नहीं, ये पंजाब है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की बहस होती है। वो कहता है रिकॉर्डिंग ऑन करो। वो कहता है रिकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा, ये वे पाकिस्तान में हो या इंडिया में, ऐसे कुछ शब्द उसके निकल कर आते हैं। और उसके बाद लड़की कहती है क्या बकवास बात है ये, जिसके बाद वो शख्स कहता है तुमने बकवास कैसे कह दिया, और ये इन दोनों से उलझ जाता है, उसके कैमरे पर हाथ पकड़कर उसे हटाने की कोशिश करता है। इस बीच ये दोनों लगातार कहते रहते हैं कि हमें अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है, इंडिया का फ्लैग लगा, इंडिया ही तो है, ये इंडिया में है, पंजाब अमृतसर गोल्डन टेम्पल क्यों नहीं जाने दोगे। अब